नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग से संबंधित गुजरात के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है फ्लैग इम्प्रूव अटेंडेंस। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाए रखने के लिए और नियमितता को बनाए रखने के लिए हमारे नवाचारी शिक्षकों ने फ्लैग इम्प्रूव अटेंडेंस नामक नवाचार का क्रियान्वयन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि छात्र एक दूसरे से अगर कोई कंपटीशन कराया जाए या किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग करने के लिए बोला जाए तो वो एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते हैं, वो नंबर वन आना चाहते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षकों ने इस गतिविधि का क्रियान्वयन किया। इस गतिविधि में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फ्लैग इम्प्रूव अटेंडेंस यानी कि झंडे के माध्यम से उपस्थिति को बढ़ाना। शिक्षक सबसे पहले तो इस गतिविधि के विषय में छात्रों को बताते हैं। इस गतिविधि के विषय में बताने के बाद शिक्षक छात्रों को इस गतिविधि के बारे में निर्देशित करने के बाद इस गतिविधि का वो शिक्षक अपने विद्यालय में क्रियान्वयन कराते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को समझाते हैं कि आप लोगों की कक्षा में आप लोग अपनी अटेंडेंस के आधार पर आप अपनी कक्षा में इस झंडे को लगाएंगे। इस झंडे के लिए सबसे पहले शिक्षक प्रत्येक कक्षा के सामने 3-टायर प्लेटफॉर्म बनवाते हैं और इस 3-टायर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ही झंडे को किस जगह पे लगाना है इसकी भी जानकारी देते हैं। हमारे नवाचारी शिक्षक छात्रों से बताते हैं कि अगर आपकी कक्षा में 100% उपस्थिति है तो सबसे ऊपर का नंबर वन का जो एरिया है उस पे आप लगाएंगे झंडा। अगर आपकी कक्षा में 80% अटेंडेंस है तो आप सेकेंड नंबर पे लगाएंगे, और अगर आपकी कक्षा में 3rd नंबर पे है और 50% अटेंडेंस है तो आप 3rd नंबर के टायर पे आप झंडे को लगाएंगे। इस गतिविधि से छात्रों को कक्षा में बिना जाए ही पता चल जाता है कि किसकी कक्षा में कितनी अटेंडेंस है, कितनी उपस्थिति है। इसके लिए इसको क्रियान्वयन कराते वक्त हमारे नवाचारी शिक्षक सबसे पहले तो कक्षाओं में जाते हैं और उनकी अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस के आधार पर सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं के बाहर झंडा लगाते हैं। जिस कक्षा के सामने 100% का जो फर्स्ट लेयर पे जिसका लगा होता है झंडा, उस कक्षा के छात्र पूरे दिन उत्सुक तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उनमें एक उमंग टाइप की भी रहती है। उन्हें देख करके जो दूसरी क्लास के बच्चे होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी भी अटेंडेंस 100% हो और फर्स्ट लेयर पे उनका ये झंडा लगा होना चाहिए। इसके अलावा जिस कक्षा में सबसे कम छात्र होते हैं, उपस्थिति कम होती है, तो उस कक्षा के छात्र ही छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि उनकी कक्षा की भी उपस्थिति अच्छी बनी रहे। इस गतिविधि में शिक्षक जो सबसे ज्यादा 100% अटेंडेंस लेकर के आते हैं, जो कक्षाएं सबसे ज्यादा नंबर वन पे होती हैं, उन कक्षाओं के छात्रों को प्रोत्साहित और सम्मानित भी करते हैं। और इस गतिविधि के माध्यम से जब छात्र दूसरे छात्रों को सम्मानित होते देखते हैं, प्रोत्साहित होते देखते हैं, तो खुद के लिए भी उनको एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी अपनी कक्षा की ही उपस्थिति को बढ़ाए रखे। ये प्राथमिक माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए, दोनों विद्यालयों के लिए बहुत ही अनुकूल है ये नवाचार, और हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प वीडियो और नवाचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया ZIIEI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप ZIIEI Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।